गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। डेटा माइनिंग टेक्निक्स में हमने चार टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, डिसीजन ट्री, क्लस्टरिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। इनमें से पहला टॉपिक डिसीजन ट्री है, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। इसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब ग्रुप। जैसे हम WhatsApp में ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर। क्लस्टर और ग्रुप बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको बोलेंगे क्लस्टरिंग। अब आपने देखा होगा कि एक ग्रुप होता है, उसमें जितने भी जो आइटम्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, उनके फीचर्स हैं या उनके गुण हम देखें तो एक जैसे होते हैं। जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, क्लास कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर का, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो सिर्फ थर्ड ईयर वाले रहेंगे, तो उनके एक जैसे फीचर्स रहेंगे कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास कर चुका है, थर्ड ईयर में है, सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो कॉमन है, एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, तो उनमें समानता रहेगी। एक दूसरा ग्रुप है कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, तो कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर में वो सेकेंड ईयर में रहेंगे, फर्स्ट ईयर पास करके आए और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं सब, तो थर्ड ईयर के जो जितने मान लीजिए थर्ड ईयर के अंदर 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में आपस में समानता है, और सेकेंड ईयर में मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो उनमें आपस में समानता है 30 में। लेकिन जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनमें और सेकेंड ईयर में, उनमें असमानता है। इसका मतलब ग्रुप में होता क्या है या क्लस्टर में क्या होता है कि एक ही क्लस्टर में या ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनमें तो आपस में समानता होती है, और हम अलग अलग ग्रुप में देखें, अलग अलग क्लस्टर में आपस में कंपेयर करें तो उनमें क्या होती है? असमानताएं होती है। ठीक है, तो क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग्स टू द सेम क्लास। तो क्लस्टर ऐसे ऑब्जेक्ट्स का एक समूह है जो एक ही क्लास से संबंधित होते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन वन क्लस्टर एंड डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन अनदर क्लस्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हम ग्रुप किनका बनाते हैं, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका ही बनाते हैं ना, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का हम एक ग्रुप बना देते हैं। अब हम क्लस्टरिंग है या ग्रुप बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक कॉलेज है, उसके अंदर हम ग्रुप बना सकते हैं ब्रांच वाइज। ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा, उसके अंदर तीन ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल, तो तीन ग्रुप बना सकते हैं ब्रांच वाइज। दूसरे तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, तो तीन साल का डिप्लोमा होता तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इस तरह से बना सकते हैं। या फिर हम ऐसा बना सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो एक जो क्लस्टर होगा, ग्रुप होगा, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपस में समानता होगी। जैसे हमने दो ग्रुप बनाए, बॉयज और गर्ल्स का, तो गर्ल्स का जो ग्रुप है तो उनमें एक समानता है, इसलिए गर्ल्स एक ग्रुप में रहेगी, क्लस्टर में रहेगी, और बॉयज का एक अलग बनाएंगे। क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लासेज ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो क्लस्टरिंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम टाइप के, उनको एक ग्रुप में बनाते हैं, हम क्लस्टर बनाते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने हैं। ए क्लस्टर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज वन ग्रुप। एक डेटा ऑब्जेक्ट्स का जो क्लस्टर है उसको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ग्रुप और क्लस्टर बोल रहा हूं कि क्लस्टर का मतलब ही ग्रुपिंग ही होता है, ग्रुप बनाना ही होता है।
While doing cluster analysis, we first partition the set of data into groups based on data similarity and then assign the label to the groups. तो हम जब cluster analysis पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, data का हम partition करते हैं और उनके groups बनाते हैं. और groups कैसे बनाते हैं, similar type के जो data होते हैं जिनमें similarity होती है उनका एक group बना देते हैं. और फिर उसके बाद में उनको लेबल असाइन कर देते हैं. जैसा कि हम बना सकते हैं कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का इस तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं, या फिर ब्रांच वाइज बना सकते हैं, या फिर बॉयज और गर्ल्स का बना सकते हैं. तो कैसे भी बनाओ लेकिन आप देखोगे कि ग्रुप, एक ग्रुप के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें सिमिलरिटी रहेगी, और उनको अगर हम दूसरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करेंगे तो उनमें डिसिमिलरिटी रहेगी. मेन एडवांटेज ऑफ क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन इज दैट इट इज अडेप्टेबल टू चेंजेज एंड हेल्प्स सिंगल आउट यूजफुल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश डिफरेंट ग्रुप्स. तो क्लासिफिकेशन था जो हमारा डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे. तो उससे एडवांस है ये क्लस्टरिंग. कुछ एडवांटेजेज है, कुछ लाभ है हमारे जो कि क्लासिफिकेशन में नहीं होते पर क्लस्टरिंग के लाभ होते हैं. एक तो क्या ये अडेप्टेबल है. अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस हो सकते हैं. तो वर्गीकरण के ऊपर क्लस्टरिंग का लाभ है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन के अनुकूल है ये. एप्लीकेशंस ऑफ क्लस्टर एनालिसिस. अब क्लस्टर एनालिसिस है उसकी क्या क्या अनुपयोग है, क्या क्या काम आता है. क्लस्टरिंग एनालिसिस इज ब्रॉडली यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन सच एज मार्केट रिसर्च, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा एनालिसिस एंड इमेज प्रोसेसिंग. तो जो हमारा क्लस्टरिंग एनालिसिस है वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, कई जगह काम में आता है. मार्केट रिसर्च होती है, पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, डेटा एनालिसिस होता है, इमेज प्रोसेसिंग में काम में आता है. क्लस्टरिंग कैन ऑल्सो हेल्प मार्केटर्स डिस्कवर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन देयर कस्टमर बेस एंड दे कैन कैरेक्टराइज देयर कस्टमर ग्रुप बेस्ड ऑन दी परचेजिंग पैटर्न. तो जो कंपनीज होती है जिनको अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट्स करते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, तो वो मार्केट के अंदर सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उनकी क्लस्टरिंग करते हैं. और फिर वो देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी बेचने वाली कंपनी है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में या कौन से शहर के अंदर कितने कस्टमर हैं जो उसकी महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, कितने कस्टमर हैं जो उसकी छोटी गाड़ियां, जो सस्ती गाड़ियां हैं वो खरीद सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपना जो प्लान बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे कि वो बिजनेस को और आगे बढ़ा सके और अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज है, अच्छे प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल करवा सके. तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, उनको पता है कि उनका कस्टमर बेस कहां पर है, कौन से कस्टमर्स हैं फोर व्हीलर. अब जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट आता है टू व्हीलर्स का, बाइक्स का आता है या कार्स का आता है, लेकिन आपने कभी देखा है कि एरोप्लेन का एड आ रहा है या क्रूज शिप का एड आ रहा है उसमें कि एक एरोप्लेन आ रहा है कि 500 करोड़ के अंदर एक एरोप्लेन ले लो. ऐसा कभी आपने एड देखा टीवी? नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको पता है कि जो इंसान एरोप्लेन खरीदेगा अपने लिए, प्राइवेट जेट खरीदेगा, वो टीवी पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा होगा. तो उसके लिए वो कहां पर उसके लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाए, तो वो अलग से उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे. ऐसे ही न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टीजमेंट आता है, तो कभी आपने देखा है न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है कि एक हेलीकॉप्टर मिल रहा है 100 करोड़ रुपए का या इतने का, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कार का, बाइक का इनका एड आता है. ठीक है, तो कंपनीज डिसाइड करती है कि हमारा कस्टमर है वो कहां पर है, कितने कस्टमर मिल सकते हैं, उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, उनका बजट कितना रहता है, उनकी एज क्या रहती है. अब ये भी आप देखोगे, अब जैसे YouTube पर आप YouTube देखते हैं, तो YouTube पर आपने कभी देखा होगा कि
एक आप चैनल देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चैनल आप देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको कंप्यूटर साइंस, तो आप देखोगे कि उस चैनल पर, उस वीडियो के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आएंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आएंगे। अगर आप मोबाइल से रिलेटेड कोई यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो उसमें मोबाइल से रिलेटेड आएगा। अगर आप कुछ किचन में जो पकाने जाने वाले फूड्स हैं अपने, ठीक है, कुछ रेसिपीज है, तो उनसे रिलेटेड जो चैनल है उसको देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि वहां पर जो उस वीडियो के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आएगा वो आएगा कुछ मसाले वगैरह या कुछ खाने पीने की चीजों से रिलेटेड। वहां पर कार का ऐड नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है कार का ऐड आना, ठीक है। तो उनको पता है कि ये जो बंदा है वो कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो उसी फील्ड के वो एड्स आएंगे। तो ये जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो प्लानिंग होती है, उनमें ये क्लस्टरिंग है वो बहुत काम में आता है। तो इसमें जो कस्टमर्स का परचेजिंग पैटर्न है, उनका बजट है, उनको सबको एनालिसिस किया जाता है सर्वे के द्वारा, उनका डेटा इकट्ठा करके। इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इट कैन बी यूज्ड टू डिराइव प्लांट एंड एनिमल टेक्सोनोमीज, कैटेगराइज जीन्स विथ सिमिलर फंक्शनलिटीज एंड गेन इनसाइट इनटू स्ट्रक्चर्स इनहेरेंट टू पॉपुलेशंस। तो बायोलॉजी की फील्ड के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको जब हम कैटेगराइज करते हैं उनके जीन्स के अकॉर्डिंग, जो सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज है जीन्स में, तो उनका कैटेगराइजेशन होता है, उसमें भी ये काम में आता है। क्लस्टरिंग आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर लैंड यूज इन एन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटाबेस। इट आल्सो हेल्प इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ हाउसेज इन अ सिटी अकॉर्डिंग टू हाउस टाइप, वैल्यू एंड जियोग्राफिक लोकेशन। तो क्लस्टरिंग के अंदर जो पृथ्वी अवलोकन डेटाबेस है उसमें समान जो भूमि है उसके उपयोग की क्षेत्रों की पहचान करने में काम में आता है। इसमें घर का जो प्रकार कितना है, घर की वैल्यू कितनी है, कितनी कॉस्टिंग है, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो किसी शहर में जो घरों का जो ग्रुप्स है उनकी हम पहचान कर सकते हैं, तो वहां पर ये काम में आ सकता है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो टाउन प्लानिंग है या फिर जो रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस के लिए इसको काम में लेते हैं, ऐसे डेटाबेस को। क्लस्टरिंग आल्सो हेल्प्स इन क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब फॉर इंफॉर्मेशन डिस्कवरी। तो जब हम इंफॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर हम कुछ सर्च करते हैं तो कितना फास्ट रिजल्ट आता है, तो वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को क्या क्लासिफाई करता है। क्लस्टरिंग इज ऑल्सो यूज इन आउटलियर डिटेक्शन एप्लीकेशन सच एज डिटेक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। तो क्रेडिट कार्ड्स के, इनके जो डेबिट कार्ड्स हैं, इनके जो फ्रॉड्स होते हैं उनके डिटेक्शन में भी क्लस्टरिंग काम में आता है, या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर या बैंकिंग में कहीं भी जो फ्रॉड्स होते हैं उनके लिए भी काम में आता है। आपने देखा होगा जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो उनका अपना एक टाइप होता है, कि या तो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर ज्यादा हो रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर यूजर्स का ग्रुप है, जैसे ज्यादा एज के जो लोग हैं वो जितने इतने अवेयरनेस नहीं है टेक्नोलॉजी के प्रति, तो उनसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो इसके अंदर एक पैटर्न होता है इसके अंदर, तो उनकी स्टडी भी हम करते हैं, कंपनीज करती है, बैंक्स करते हैं, और इसमें भी क्लस्टरिंग काम में आती है। एज ए डेटा माइनिंग फंक्शन क्लस्टर एनालिसिस सर्व एज ए टूल टू गेन इनसाइट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा टू ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लस्टर। तो डेटा माइनिंग के अंदर जो क्लस्टर एनालिसिस है वो हमारा काम में आता है, जिससे हम क्या करते हैं, डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम डीपली इनसाइट अंदर जाके उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा की उनको ऑब्जर्व हम कर सकते हैं क्लस्टर के थ्रू। रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लस्टरिंग इन डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में क्लस्टरिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? स्केलेबिलिटी क्या होना चाहिए? वी नीड हाईली स्केलेबल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टू डील विथ लार्ज डेटाबेस।
जो हमारे बड़े डेटाबेस हैं उनको हैंडल करने के लिए हमें जो क्लस्टरिंग की जो ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो उनको बड़े डेटा को हैंडल कर सके, ऐसी एल्गोरिथम्स की हमें जरूरत होती है, हाईली स्केलेबल, जो बड़े डेटा को भी संभाल सके। एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, विभिन्न प्रकार की जो विशेषताओं से निपटने की जो क्षमता होती है, वो भी हमारी जो एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग की उसके अंदर होनी चाहिए। एल्गोरिथम शुड बी कैपेबल टू अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा। तो पहली तो हमारी जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए डेटा माइनिंग के अंदर जो क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम, उसमें कि वो स्केलेबल होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ा डेटाबेस है उसको भी वो हैंडल कर सके, उस पर भी वो अप्लाई हो सके। दूसरी ये है कि डेटाबेस बड़ा है वो तो हो ही सकता है, उसके अलावा जो उसमें डेटा है वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक दो टाइप के होंगे, सैकड़ों टाइप के उसमें डेटा हो सकते हैं, तो उसको भी वो हैंडल करने में सक्षम होनी चाहिए हमारे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम शुड बी कैपेबल बी अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा सच एज इंटरवल बेस्ड डेटा, जैसे न्यूमेरिकल डेटा या कैटेगरिकल या बाइनरी डेटा, तो अलग अलग टाइप के डेटा उसमें हो सकते हैं, उनको भी हैंडल करने में सक्षम होनी चाहिए। डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर विथ एट्रीब्यूट शेप, द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम शुड बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्री शेप। जो शेप है उसकी गुण आकृति है उनके समूह की खोज भी वो कर सके। दे शुड नॉट बी बाउंडेड टू ओनली डिस्टेंस मेजर्स दैट टेंड टू फाइंड स्पेरिकल क्लस्टर ऑफ स्मॉल साइज। तो सिर्फ जो डिस्टेंस का जो हमारा फैक्टर लेते हैं हम ग्रुप बनाने के लिए कि जो पास पास में हैं उन ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, जो दूर है उनका अलग बनाते हैं, तो सिर्फ उसी पर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमारा एल्गोरिथम। जो जो आर्बिट्री शेप है क्लस्टर की उसको भी वो डिटेक्ट करने में कैपेबल हो। हाई डायमेंशनलिटी, द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम शुड नॉट ओनली बी एबल टू हैंडल लो डायमेंशनल डेटा बट ऑल्सो दी हाई डायमेंशनल डेटा। तो हाई डायमेंशनल डेटा को भी वो हैंडल कर सके, ऐसी हमारी एल्गोरिथम है जो क्लस्टरिंग की वो होनी चाहिए। एबिलिटी टू डील विथ नोइजी डेटा, साथ में अगर हमारे डेटा के अंदर नोइज है, मतलब एरर्स है उसके अंदर, गलत डेटा है उसके अंदर, तो उनको भी हैंडल कर सके, ऐसी हमारी एल्गोरिथम होनी चाहिए। डेटाबेस कंटेन्स नोइजी मिसिंग और एरनियस डेटा। जो हमारा डेटाबेस होता है, जो डेटा वेयरहाउस हम बनाते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस का मतलब अलग अलग टाइप के जो सोर्सेज हैं जो डेटाबेस के, उनसे हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। तो ऑब्वियसली उस डे जो हमारा डेटा वेयरहाउस है उसके अंदर मिसिंग भी होंगे डेटा, कुछ डेटा रेप्लिकेट भी हो जाते हैं उसके अंदर, कुछ गलत डेटा भी आ सकते हैं, एरर्स हो सकती है उसके अंदर, तो ये एक कॉमन सी बात है उनके अंदर, बड़ा डेटा वेयरहाउस है उसके अंदर ऐसा होगा। तो हमारा जो क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो नोइजी डेटा को भी हैंडल कर सके। सम एल्गोरिथम्स आर सेंसिटिव टू सच डेटा एंड मे लीड टू पुअर क्वालिटी क्लस्टर्स। तो कुछ जो एल्गोरिथम्स होती है वो क्या होती है कि इतना सेंसिटिव होती है कि अगर हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ एरर है, कुछ मिसिंग डेटा है या कुछ रेप्लिकेट्स हैं, तो वो क्या करती है कि सही से काम नहीं कर पाती है, और जो हमारी क्लस्टर जो बना के देती है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के होती हैं, एक तरह से खराब गुणवत्ता वाले क्लस्टर होते हैं। तो हमारी एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें बहुत ज्यादा मिसिंग चीजें हैं, नॉइज है, एरर्स है डेटाबेस के अंदर, फिर भी उसके अंदर से बहुत ही अच्छा जो क्लस्टर्स है वो हमें निकाल के दे। इंटरप्रिटेबिलिटी, द क्लस्टरिंग रिजल्ट शुड बी इंटरप्रिटेबल कॉम्प्रिहेंसिबल एंड यूजेबल। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का वो ऐसा होना चाहिए कि वो समझ सके हम आसानी से, इंटरप्रिटेबल हो, हम उसको इंटरप्रिट कर सके आसानी से, समझ सके, कॉम्प्रिहेंसिव हो, छोटा हो, ज्यादा डिटेल में नहीं, और यूजेबल हो जिसको हम काम में ले सके, ठीक है, तभी तो हम अपनी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम फायदा पहुंचाएंगे, अच्छा प्लान करेंगे उसके लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विसेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो समझने लायक होना चाहिए,
इतना कैपेबल नहीं है कि हमने बहुत अच्छी एल्गोरिथम बना दी, बहुत बड़े डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, लेकिन उसने अगर रिजल्ट ऐसा दे दिया कि जो इंसान समझ ही नहीं पा रहा, बहुत बड़ा रिजल्ट दे दिया जो किसी काम का नहीं है, तो वो भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग की, वजह से होनी चाहिए कि उसका जो रिजल्ट है वो एक तरह से सस्ता सुंदर टिकाऊ आए, मतलब छोटा आए, ज्यादा लार्ज नहीं आए, समझने लायक आए। अब जो हमारे क्लस्टरिंग के मेथड्स हैं उसके अंदर पहला जो मेथड है वो पार्टीशनिंग मेथड है, विभाजन विधि। सेकंड है हेरार्चिकल मेथड, पदानुक्रमित विधि। फिर है डेंसिटी बेस्ड मेथड। तो ये क्लस्टरिंग के मेथड है, मतलब क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग पहले जो होती है वो पार्टीशनिंग मेथड होता है कि हम उनके पार्टीशन बना ले। हेरार्चिकल मेथड भी हो सकता है, हेरार्चिकल जैसे हम डिसीजन ट्री में हेरार्चिकली चलते हैं उस तरह से। डेंसिटी बेस्ड भी हो सकता है, डेंसिटी को देखते हुए हम पार्टीशनिंग कर लें। ग्रिड बेस्ड हो सकता है, मॉडल बेस्ड हो सकता है, कंस्ट्रेंट बेस्ड मेथड हो सकता है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं जिनसे हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो जैसा हमारा डेटा होगा और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे।